अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, नए आदमी हैं, तो आपको ऐसी कौन सी बेसिक मेडिसिन चाहिए मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए जो जिनकी रनिंग ज़्यादा है। क्योंकि नए मेडिकल स्टोर खोलने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं बेसिक मेडिसिन, तो वो गैर ज़रूरी मेडिसिन ले लेते हैं जो एक्सपायर होती हैं और नुकसान का सबब बनती हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टैबलेट्स और सिरप वगैरह कि जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और नुकसान का ख़र्चा कम होता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो सिरप होती है वो ब्रूफेन की है। सबसे पहले अगर आप नए मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं नया, तो ब्रूफेन सिरप 100 मिलीग्राम में, इसमें DS भी होता है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले लें। ये ब्रूफेन DS है, एरिनेक है, ठीक है। इसके बाद पेड्राल के सिरप हैं। पेड्राल बहुत ज़्यादा चलता है, पेड्राल टोटल है, ठीक है। इसके बाद ग्रेविनेट सिरप है, ये भी बहुत ज़्यादा, इसकी रनिंग भी ज़्यादा होती है। इसके बाद टेम्परामीन है, इसकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा है बुखार ज़ुकाम के लिए, ठीक है। ये ग्रेविनेट जो होता है उल्टी के लिए होता है। इसके बाद भाई पेनाडाल आ जाते हैं, ये बुखार के लिए होता है। पेनाडाल सिरप है, पेनाडाल के ड्राफ्ट हैं बच्चों के लिए, एक साल से कम बच्चे के लिए, एक साल के बच्चे के लिए। उसके बाद पेनाडाल फोर्ट सिरप मिलता है। इसके बाद ये एगमेंटीन मिलता है सिरप, ठीक है। इसके बाद एगमेंटीन DS इसमें आता है। इन प्रोडक्ट्स की रनिंग बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये इमाक्सल आ जाता है, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ख़रीद लें। कालपोल आ जाता है, और इसमें कालपोल 6+ भी है, कालपोल प्लेन भी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्टमक के लिए कुछ रखने हैं, एसिडिटी के लिए, तेजाबियत के लिए, स्काइसम फोर्ट आते हैं मैदे के लिए, बहुत अच्छा सिरप है। ये अल्सिनेल का बहुत अच्छा सिरप है। इसके बाद एंटासिल हैं, एंटासिल सिरप, ये भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मोटिलियम आता है, ये देख लें, मोटिलियम सिरप में। ये आपको ऐसे सिरप बता रहा हूँ जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये मैनासेड फोर्ट आ जाता है, इसकी रनिंग भी ज़्यादा है। मैनासेड है मैदे के लिए, ये भी बहुत सेल होता है। म्यूकैन स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा सेल है इसकी। इसके बाद गेविस्कॉन सिरप, इसकी भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। ये मेरे पास तो इस तरह के बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर ये देखें पॉलीपेपिस की इतनी सेल नहीं है। अल्सानिक है, ये कम सेल होते हैं, पर जो बहुत सेल हो रहे हैं उनकी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो कि ये वाले आप रखें, क्योंकि इनकी जो है ना सेल बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद खांसी के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, लोग ख़ुद आके मांगते हैं ये चीज़ें। हाइड्रालिन सिरप, ये ख़ुद लोग मांगेंगे आपसे। इसके बाद पल्मोनाल, ये ख़ुद मांगते हैं लोग, इनकी बहुत ज़्यादा रनिंग है। इसके बाद एसीफाइल, ये देखते जाएं एसीफाइल, ये वाला इसके बाद चेस्टिकॉफ, ये भी लोग ख़ुद मांगते हैं। इसके बाद ब्रोफाइल, ये भी कफ सिरप है, ये भी लोग ख़ुद मांगते हैं। हमारे पास तो कफ सिरप बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये देखे क्यू फोर्ट। बरल आप अगर नए हैं तो आपको बता रहा हूँ रेड ऑल क्यू फोर्ट। अच्छा, ये हमारे पास पल्मोड्रिल, ये भी कफ सिरप है, बहुत सारे नामों से आता है, ये ले देख लें। नेफ्रालिन DM, ठीक है। इसके अलावा ये वाला है हमारे पास कफ सिरप, हाइड्रालिन DM है। बरल मैंने जो आपको बताया,
इसके बाद इन्फेक्शन के सिरप होते हैं भाई, ये इनकी सेल ज़्यादा है। कैलामॉक्स आपसे मांगेंगे, ठीक है, कैलामॉक्स इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। इसमें तीन स्ट्रेंथें आती हैं, तीन चार कैलामॉक्स आती है, कैलामॉक्स डीएस आता है, ठीक है, कैलामॉक्स ड्यू आता है। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ की भी हैं, बहरहाल ये ज़्यादा सेल होती हैं। इसके बाद अगमेंटीन लोग ख़ुद आपसे मांगेंगे, अगमेंटीन डीएस ये ख़ुद मांगेंगे, इमॉक्सल के सिरप्स ये ख़ुद मांगेंगे, इमॉक्सल है, इमॉक्सल फोर्ट है, एमपी क्लॉक्स है, ये लोग आपसे ख़ुद मांगेंगे, ठीक है। इसके बाद सेफेक्साइम में ये वाले सिरप, ये सिरप आपसे ख़ुद लोग मांगेंगे, ठीक है, कैरीसेफ हो गया, कैरीसेफ डीएस वगैरह, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाले सिरप। इसके बाद भाई पेन किलर टैबलेट में आपसे मांगेंगे लोग, पोनोस्टान की टैबलेट मांगेंगे, पोनोस्टान फोर्ट है, पोनोस्टान प्लेन है, ये लोग ख़ुद मांगते हैं। पैरासीटामोल की मांगेंगे, कफ कोल मांगेंगे, कालपोल की, ठीक है, ये कालपोल ख़ुद मांगते हैं, पेड्राल मांगेंगे, मैफनिक की मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी पेनाडॉल, ये पेनाडॉल आपसे ख़ुद लोग मांगेंगे, एरिथ्रोसिन मांगेंगे, ये वाली एरिथ्रोसिन, ठीक है, ये पेनाडॉल देख लें, इसकी गोलियां ख़ुद मांगते हैं। और ये मेडिडॉल वगैरह ये वाली बहुत सेल होती हैं, ये भी लोग ख़ुद मांगते हैं सर दर्द के लिए, मेडिडॉल। इसमें एक ओमनीडॉल होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी ख़ुद मांगेंगे। उसके अलावा ये बेफ्लाम की बहुत ज़्यादा सेल होती है, ये ख़ुद लोग मांगते हैं, ठीक है, बेफ्लाम होगी। अच्छा, ये ओमनीडॉल है, ओमनीडॉल ये देख लें, ये भी लोग, ये लोग आपसे ख़ुद आकर मांगेंगे, डॉक्टर बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिल वक्त अगर बिठाना चाहते हैं तो बिठा लें, क्योंकि मेडिकल स्टोर में ख़ुद प्रैक्टिस तो नहीं होती, पर लोग छुप छुपा के करते हैं, प्रैक्टिस अलाउ नहीं होती। तो इसके अलावा ये डिस्प्रीन की मांगते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई ये वॉरेन पेन किलर टैबलेट है, इन्फ्लामेटिक्स दांत के दर्द के लिए लोग आपसे मांगेंगे, सैनेड मांगेंगे दांत के दर्द के लिए, वोल्टाफ्लेम मांगेंगे दांत के दर्द के लिए, फ्रोबिन मांगेंगे दांत के दर्द के लिए, आर्टिफिन मांगेंगे, पेन किलर है ये, निब्राल फोर्ट मांग सकते हैं आपसे, ये बेसिक मेडिसन है, पेन किलर हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप अपने स्टोर पे रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, इनकी रनिंग ज़्यादा है, राइजिक के साशे हैं, ठीक है, आप किसी होलसेलर से ले सकते हैं, ये साशे राइजिक के 40 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम में स्टामिक के लिए राइजिक कैप्सूल, ये लोग ख़ुद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो लिखते हैं तो ये खाते हैं लोग, राइजिक 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम, नेक्सम 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम, ईसो, ये लोग ख़ुद मांगेंगे आपसे, ठीक है। हमारा तो 10 साल हो गया है मेडिकल स्टोर का, हमारी रनिंग तो ज़्यादा है, बहरहाल आस्ता आस्ता आपकी भी हो जाएगी। इसके बाद भाई एंटीबायोटिक में अगमेंटीन की टैबलेट होती हैं, तीन सौ 75,000 मिलीग्राम और 625। इसके बाद कैलामॉक्स पी सी स्ट्रेंथ में आती हैं, 625 मिलीग्राम में, 1,000 मिलीग्राम में, ये लोग ख़ुद मांगते हैं। इसके बाद वेलोसेफ के कैप्सूल हैं, वेलोसेफ के सिरप भी मिलते हैं ये, ठीक है,
इसके बाद नोवीडेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एंटीबायोटिक है, पेट में बहुत अच्छा काम करती है, जिसको मोशन है उसमें दे सकते हैं, माइक्रोबैक, ठीक है, एजोमॉक्स, एजोमैक्स, ठीक है, ये मांगेंगे लोग आपसे, लीफ्लॉक्स, ये ज़रूरी होती है एक मेडिकल स्टोर के लिए, एनसेड की टैबलेट है, वेब्रामाइसिन के कैप्सूल हैं, ठीक है, बास्कोपान, ठीक है, अच्छा, शुगर की टैबलेट में आपसे मांग सकते हैं गैटरल, 1, 2, 3, 4, चार स्ट्रेंथों में होती है, गैटरल 1 मिलीग्राम में है, ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, इसके बाद सीटामेट की आती हैं, सीटामेट, ठीक है, इसके बाद ट्रिवियामेट आती हैं, ट्रिवियामेट XR, ट्रिवियामेट, ये शुगर के पेशेंट खाते हैं, डॉक्टर इनको लिखते हैं, गेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, ठीक है, इकोनेट, ग्लूकोवांस, ये देख लें आप, इनोसीटा, ये शुगर की ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा चलती हैं और शुगर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ें अगर आप रखें तो आपकी रनिंग होगी, सेल होगी। इसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए जो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, इजी डे 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम में, ठीक है। इसके बाद टिनोर मैंने, ठीक है, इसके बाद ये जेफनोल, जोडेप टैबलेट, इसके बाद सॉफ्टवेसिक, ये ऐसी मेडिसिन है जो लगे लगाए हुए पेशेंट होते हैं वो खाते हैं, सॉफ्टवेसिक 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, एक्सटोर है 5, 80, 5, 160, 10, 160, ठीक है, नुरवेसिक, ये लोग खुद मांगते हैं, ठीक है, कनकोर 2.5 mg और 5 mg, 2.5 और 5 mg कनकोर, एल्डोमेट, ठीक है, ये सॉफ्टवेसिक वी है, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, को ए टू ए मांगते हैं, ए टू ए मांगते हैं, कोजील मांगते हैं, ये वाली है एक जेवार, ड्यू है, आर है 50 mg वगैरह में, ठीक है, ये लोग खुद मांगेंगे आपसे। इसके बाद एंटी एलर्जिक आ जाती हैं, मोंटिका, एबिस्टीन, टी डे, लोरेन निसा, NSA, सॉफ्टन, रिजिक्स, मोंटिकेट, माइटिका, ये एलर्जी की हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने मेडिकल स्टोर पे रखनी पड़ेंगी। एलर्जी के सिरप में मिलते हैं इनमें रिजिक्स, ठीक है, इसी तरह ये टी डे एलर्जी का है, इसी तरह एलर्जी के बहुत सारे हैं, जाइन, सिट्राजीन में कोई भी लाख रख लें, सिट्राजीन, न्यूवेल, ये सारी चीज़ें आपको एक ही होलसेलर से मिल जाएंगी, नए आदमी को पता नहीं होता, इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं होती होलसेलर से, ये आपको दो दो तीन तीन आइटम में मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा मिकदार में मंगानी पड़ेगी, बहरहाल अगर आप नए हैं तो आप होलसेलर से मंगवाएं। आप वैक्स रख सकते हैं, ठीक है, विंटोजिनो बाम रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल होती है, आयोडेक्स रख सकते हैं, ये लोग खुद मांगेंगे आपसे। इसके बाद मीथा क्लोर, नॉर्मल कतरे आँख के लिए, प्रिडनिकॉल नॉर्मल हैं, बेटनिसोल नॉर्मल हैं, लिडोस्पोरिन कान के कतरे, ऑटोस्पोरिन कान के कतरे, ये बेसिक हैं, ये भी देख ही लें, ये भी कतरे हैं कान के लिए और आँखों के लिए, ज़रूरी चीज़ें हैं, कस्ट्राइल है, ज़रूरी है मेडिकल स्टोर के लिए, घुटी आपसे बहुत ज़्यादा मांगेंगे खुद ही, ठीक है, तूत से शरबत मांग सकते हैं। इसमें बहुत मुख्तलिफ कंपनियों की आते हैं तूत से, पर आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं तो रख लें।
इसके बाद नोविडेट के सिरप हैं, पहले टैबलेट थी, अभी ये सिरप भी देख लें। इसके बाद ये रियाम आ जाती है, इसमें एक फ्लेजल की मिलती है मेट्रोनिडाजोल, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, फ्लेजल की भी रख सकते हैं आप इन्फेक्शन के लिए, पेसों के लिए, मोशन वगैरह के लिए। मेट्रोजीन है, ये भी पेसों के लिए इस्तेमाल होती है। जोलेट है स्टेनले कंपनी की, ये भी मोशन लूज़ मोशन में इस्तेमाल होती है। इंटामिजोल है, ये भी लूज़ मोशन के लिए। इसके बाद आप रुई रख सकते हैं, काटन सरिंज ज़रूरत होगी आपको, सरिंज रखें सेल के लिए, ठीक है। ये नोने हाल का ग्राइव वाटर भी बहुत ज़्यादा सेल होता है, इसमें एक ये वुडवर्ड्स का ग्राइव वाटर भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ग्राइव वाटर। ट्यूब, आँखों की ट्यूबें और जेल पे लगाने वाली में सबसे ज़रूरत है, ये पॉलीफेक्स की ट्यूब रखें, पॉलीफेक्स आँखों की रखें, ट्राईमेन आँखों की रखें, डर्मोवेट है आइंटमेंट, ठीक है डर्मोवेट। उसके बाद बेटनोवेट आइंटमेंट है, कैनाडेक्स भी रख सकते हैं एलर्जी के लिए, जेल पे लगाने के लिए। बेटनोवेट एन क्रीम है, डर्मोवेट क्रीम है, ठीक है डर्मोवेट डबल एन, इमोक्सल के कैप्सूल, एमपी क्लास के कैप्सूल। अच्छा इसके बाद सोमोजेल, मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसके लिए। रैशनल है, जो बच्चों को नैपी रैश हो जाता है पैंपरों की वजह से, उनका जेल सुर्ख हो जाती है, रैशनल की रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जिस्म पर ख़ारिश के लिए लाइसोनिल। ट्यूबें तो बहुत सारी हैं, ये देख लें आप, प्रोवेट जी, ये स्किन पे इस्तेमाल होती हैं, दानों वगैरह के लिए, ये हमने रखी हुई हैं देख सकते हैं। ये लोट्रेक्स है, लोट्रेक्स भी ख़ारिश के लिए होती है। लाइसोनिल है, क्लोजॉक्स एच है, ये दाने वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए कहीं पे, फंगल इन्फेक्शन के में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये क्लोबी वेट क्रीम है, आइंटमेंट है, दाने और एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद माइकोनेट है, मुंह में छालों के लिए। कैनालॉग है, मुंह में छालों के लिए, बच्चों को लगाने के लिए। डिक्टरीन जेल है, मुंह में छालों के लिए, ये ठीक है। इसके बाद ताकत के लिए आप रख सकते हैं सर्बेक्सी की टैबलेट, सेल होगी, आप ख़ुद भी लोगों को दे सकते हैं। लोग बोलते हैं जी कोई ताकत के लिए सिरप दे दें, कोई टैबलेट दे दें। इसके बाद आप ये रख लें नेरोबियान, नेरोबियान ताकत के लिए रख लें। इसके अलावा ये दूसरे विटामिन भी देख लें, इन ड्रॉप डी इंजेक्शन है पीने वाले, ये ओसने डी ताकत की गोलियां होती हैं। फोलिक एसिड रखनी पड़ेगी, ये सेल होती है। सेंगोबियान कैप्सूल, पॉलीबियान जी, ठीक है ये भी रखने पड़ेंगे। ये कैल्शियम की टैबलेट हैं जो पानी में डाल के पीनी पड़ती हैं, CAC 1000 प्लस, ठीक है। इसमें एबोकाल भी आती है, एबोट कंपनी की। ये आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक ही होलसेलर से मंगवा सकते हैं, कैल्शियम डी ताकत के लिए। इसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए रखने पड़ेंगे, कब्ज़ के लिए लेग्जी ब्रॉन आता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके बाद ये डोफलेक आता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है। इसके बाद ये सिकिलेक्स ड्रॉप आते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। इसके बाद ये कस्ट्रेल आता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको कब्ज़ के लिए रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए
मेरा चैनल हेल्थ अवेयरनेस ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।